सर आपको बताना चाहूंगा जो भी स्पोर्ट के खेल कूद के इवेंट होते हैं तो उसमें चीयर लीडिंग होती है, यानी कि कुछ लड़कियां होती हैं जो हाथ में चमक वमक लेके डांस करती है। अगर आपने क्रिकेट देखा हो तो क्रिकेट में भी आजकल वो चीज देखने को मिलती है, चौका छक्का लगता है या कोई आउट होता है या कोई बीच में टाइम होता है तब वो लड़कियां नाचने लगती है। अब साथ ही में नाचने के साथ वो स्टंट भी दिखाती है जिसको कहा जाता है चीयर स्टंट्स। तो आज हम ऐसी एक वीडियो देख रहे हैं जहाँ पर 7 मिनट तक आपको वही चीयर स्टंट्स दिखाई जाने वाले हैं। क्या बात है यार, जहाँ पे वो लोग आपको प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे और साथ में कुछ लोग बहुत ही शानदार स्टंट करते हुए भी दिखाई देंगे। तो आप इस वीडियो को देखें उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। सर ये जो चीजें है आप कह रहे हैं ये खुशी का जो माहौल है उसमें आदमी का कोई ठिकाना रहता नहीं, किसी की जीत किसी की हार या कोई घटना ऐसा हो वो जो उसको खुशी होती हो तो वह आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके लिए वो जो नए काम नए कर्तव्य दिखाने की कोशिश करता है। सर इसमें भी ऐसा कुछ होगा? सर अब क्या है कि मनोरंजन के लिए तो कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है। जैसे ही आदमी कुछ मतलब बड़ा करे जैसा चौका मार दिया छक्का मार दिया तो उसको ये लगना चाहिए कि मेरे स्वागत के लिए मतलब मनोरंजन के लिए खड़ी हुई है लेडी से। बाकी थोड़ा बहुत तो मनोरंजन चाहिए कि आदमी को उसकी तारीफ पसंद आना चाहिए क्योंकि उसको उसके काम के लिए खेलने के लिए या और कोई काम के लिए उसको उसका मनोबल देती है जो ये सर कहूँ तो लड़की लड़की की बात कर रहा हूँ। लड़की तो चीड़ आ रही मेरे को क्या है कि अभी मेरी शादी होने वाली थी 6 महीने बाद तो शादी कैंसिल हो गई है मेरी, तो इसलिए लगाओ आप सर इसी बात पे। दूसरी देख रहे हैं घर वाले पसंद करने जाएंगे अभी दूसरी देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा दादाजी ने। अरे बहुत कलाकार है तो गंदे अरे कलाकार दिख रही है लाजवाब यार। हाँ यार अबे एक टांग पे खड़ी हो रही है, एक टांग पे खड़ी हो रही है नीचे। हाँ यार अबे अबे देखो तो वाह क्या खूब है यार। अबे उड़ा ये क्या हो रहा है यार गजब यार। गिनती भी गिनते जा रहा हूँ मैडम नाच रही है। इसमें अगर पसंद आ रही हो तो बता दे वो वही बात चला रहे तेरे रिश्ते की ले रहा हूँ। अबे ओ ओ लाजवाब यार यार तो मुंह फूट जाए। अरे हम लोग बढ़िया है मेरे साथ हो ही नहीं मेरे तो कमर दुखने लगता है पहले ही। पैर पे खड़े होना जो मामूली बात है क्या कंधे पे हो यार ये ओ लाजवाब यार ओ मैडम तो यार ऊपर के खड़ी हो गई यार। क्या बात है यार यार स्टिंग बाजी दिख रही है मेरे को यार
अरे वाह यार क्या बात है यार, यार बाबा यार गजब यार, क्या बात है यार, बहुत बेहतरीन छा गई यार मैडम तो। हाँ पूरी बोल घूम गई यार, पाँव पे अभी हाँ यार क्या कमाल का है। लगभग सब एक सरी कही कर रहा है ये तो यार। अबे गिर गई हो जाते ये बात तो है राजू भाई यार, सबसे अलग हटके था मामला यार। अबे वाह यार पकड़ रखा है जैसे कुछ चीज पकड़ रखी हो यार। हाँ यार ये पंखे सरी के उड़ा रहा है यार, पंखे भैया जी को यार। हाँ यार ये पंखा भैया भी यार क्या बात है यार, कलाकार लोग यार खड़ी होती है वो देखो। हाँ ये है एकदम खड़े हो जाती है यार एकदम। ये स्टैंड भी कर रही है मैडम उरर ये हाथ में यार अपन बच्चे को लेने में डरते यार, एक हाथ में एक हाथ में सभी कलाकार दिख रहा है मुझे तो क्या। हाँ क्या बात है यार, ये भी कुछ ना कुछ कलाकारी। अरे गिर गए स्टैंड दी रहा भैया गिरे नहीं हो। अच्छा स्टैंड दी, वाह यार वाकई में एक नंबर करी थी यार। ओह क्या बात है यार, गजब यार मजा ही आ गया, एक नंबर लगी यार। साहब बोलने की तो कोई जगह ही नहीं बची है जिंदगी के अंदर, ऐसा नजारा ना तो कभी देखेंगे ना कभी देखा था। आज के दिन तो मैं कह रहा हूँ कि क्या उनका बैलेंस, क्या उनकी प्रैक्टिस, क्या उनका कमाल। वो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कर्तव्य दिखाया, यकीन मानो या नहीं मानो, कभी बचपन में जब सर्कस में जाया करते थे, आज वो देखो मुझे याद आ गया, जैसे कोई मैं यहाँ पे नहीं सर्कस में बैठा हूँ, सर तमाशा देख रहा हूँ। क्या गजब की चीज है सब, वाकई में देख के आकर सुन जा गई, दिमाग काम कर दिया। आखिर बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ।
अब क्या है कि मैं तो सोचता था कि मतलब ये मैडम रहती खाली नाचने के लिए हाँ। और आज जाके मालूम पड़ा कि उनकी कला की कदर करना पड़ेगी यार हाँ। वास्तव में यार तो उन्होंने कलाकारी दिखाई है वास्तव में हाँ। कि एक हाथ से खड़ा होना, दो ही पाँव पे खड़ा होना, एक पाँव पे खड़ा होना, एक इंसान से मतलब अपना बैलेंस तो दो पाँव पे नहीं संभला जाता, वो एक पाँव से मैडम संभाल रही बैलेंस और साथ में पूरा का पूरा गोल घूम के नाच भी रही है। सबसे बड़ी बात ये है खेल का खेल और वाकई में मैंने कलाकारी वाकई में ये वीडियो देखी, वीडियो में स्टैंड तो अच्छे कर रहा बेचारे, बाकी क्या बोलते हैं इनके हाथ पैर में लग जाते होंगे, टूट जाते होंगे बेचारे, क्या बोलते हैं ये बात तो है कि इनकी दिलेरी देखने लायक है वास्तव में, इतना खतरनाक स्टैंड कर रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अगर सामने वाला गिर जाए तो ये समझो कि उसको पट्टे बनना तो तेन, नहीं तो फिर जान से जाए, नहीं तो घर में बैठे। फिर भी इनकी दिलेरी देखो कि कितनी उससे स्टैंड कर रहा है, मतलब कि जिसका कोई जवाब नहीं है सर। ये वीडियो देखी, वीडियो होगी और सर हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर अभी अभी हमारे दोस्त ने हमको दी है, सुन के बड़ा आश्वस्त हुआ और देखो मुझे ये दो लाइन याद आ गई है, ये आपके सर सुन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया तेरे यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया तेरे यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। धन्यवाद।